हाँ जी, तो आज की वीडियो हमारी है, ये पार्ट टू है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे वैदिक मैथ का ये कंसेप्ट है कि किस तरह से हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ सेकंड्स में ही। ओके, ट्रिक है हमारा कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, एनी नंबर जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है 25 से, उस नंबर को आप डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है, एंड एंड विद 2 जीरोस, ठीक है। इसमें हम 2 जीरोस लगाएंगे, क्लियर। कंसेप्ट हमारा ये है, बहुत सिंपल है। हमने जो पिछली वीडियो थी, ठीक है, उसमें हमने सीखा था कि अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, तो हम किससे डिवाइड करते थे, 2 से। अब हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नंबर है 88 × 25। ये तो आपको मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा टफ लगेगी कि इतना टाइम लगेगा इसको करने में। अब इसको हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 88 को डिवाइड कर देंगे 4 से, यह आ जाएगा 44। और क्या करना है, सॉरी 44 बोल दिया मैंने, 22, और एंड में 2 जीरोस लगा देनी है, क्लियर। एक और नंबर लेते हैं, 64 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, 64 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, ये आएगा 1 और 8, 1 6 सॉरी। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 जीरोस आ जाएंगी, मतलब हमने डिवाइड किया 4 से, 1 6 16 आ जाता है, 16 4 64, और 2 जीरोस आ जाएंगी, क्लियर। ये आ गया पार्ट वन, ये आ गया पार्ट टू। अब पार्ट थ्री में देखो, एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इस तरह की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इस तरह की, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। 1 2 4 × 25, ठीक है। 1 2 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 31, और फिर 2 जीरोस अटैच कर देंगे, बहुत सिंपल है, क्लियर। हाँ जी, तो पार्ट सेकंड में हमने सीखा कि किस तरह से हम किसी नंबर को, एनी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को हम 25 से कुछ सेकंड्स में ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट देखो कैसे था कि हम 88 को 25 से मल्टीप्लाई करना होता था, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये 25 × 4 क्या बन जाता है, ये बन जाता है 100, तो 100/4। तो यही किया ना हमने, जो नंबर होता था उसको 4 से डिवाइड कर देते थे और बाद में 2 जीरोस अटैच कर देते थे, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है।